जो भी हमें भविष्य में कोई परेशानी आती है तो उसका अच्छे से समाधान हो। तो आपके भविष्य में परेशानी हल करने वाले कौन को सपोर्ट करना चाहते हैं? तो आपकी क्या क्या डिमांड है? हमें मतलब हमें जब भी हमें सुधांशु भैया की जरूरत पड़े तो हम उनका सपोर्ट हमें संगठन के कार्यों को देखकर उनके जो हमारे लिए किया गया कार्य उस। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हो पहाड़ भारत उत्तराखंड। इस समय हम आए हुए हैं बिरला कैंपस में, जहां पर काफ़ी जोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारी चल रही है और यहां पर जय हो का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है हमें। पीछे आप बच्चे देख सकते हो कितने आक्रोश में यहाँ पर जमा हुए हैं और काफ़ी जुनून और काफ़ी खून इनके मन में उबल रहा है, जो हमें दिख भी रहा है। और इसके चलते जय हो के दो कैंडिडेट अभी सामने आए हुए हैं, एक सुधांशु जी हैं और कोई और हैं, जो कि इस जिनमें से किसी एक को सीट मिलेगी। तो अभी हम इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मेन मोटिव क्या है, किस मोटिव के तहत ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं जो बच्चों के ये फुलफिल करेंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इनकी नीड्स रहेंगी, जो कि बच्चों के इक्विपमेंट्स लैब्स होती हैं उनके जो टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजिकल वर्क्स हैं जो वो पूरा करेंगे, क्या क्या मुद्दे क्या क्या मेन बातें इनकी रहेंगी जो ये पूरा करेंगी। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इस समय हमारे साथ सुधांशु थापियाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि जय हो के अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो आपके पहाड़ जो आपका चैनल है उसके माध्यम से अपने सभी समर्थकों का, अपने संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपनी ताकत दिखाने के यहाँ पे काबिल रहा। सबसे पहला मेरा यही है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी मैं बात कहना चाहूँगा, विगत 7 सालों से मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर काम कर रहा हूँ, कई कैंपस वेटेज से लेके बसों को चलाने से लेके नई बिल्डिंगें बनाने से लेके, चाहे पानी की बात हो या जो पंखे ख़राब हों या वाटर कूलर ख़राब हो, उनको लेके कई बातें मैंने यहाँ पे समर्थन दिया है। उनके खिलाफ़ प्रशासनिक भवन में कई बार तालाबंदी भी करी है। 2500 सीटें यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा घटाई गई हैं, कुछ दिन पहले की बात है। उसमें हमारे द्वारा यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन, 5-6 दिन का आंदोलन यहाँ पर चलाया गया। और इससे पहले पूर्व में जो मेरे जीवन का मैं मानता हूँ कि जब मैं BSc का छात्र था, कैंपस वेटेज को लेके हमने तालाबंदी कर दी। VC जो वाइस चांसलर गढ़वाल विश्वविद्यालय के होते हैं, उनको हमने तालाबंदी करके कैंपस वेटेज दिलाने का काम किया था। इसके साथ साथ चौरास पुल के जो मामले थे, चौरास पुल में भी मैंने अपना योगदान दिया था। कई छात्र आंदोलनों में मैं सक्रिय रहा और आज कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने मुझे मौका दिया है अपनी काबिलियत दिखाने का, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसमें इस बार आपका मेन मोटिव क्या रहेगा इस बार इलेक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो नया हॉस्टल 200 बेड का गर्ल्स हॉस्टल बनवाने की बात रखी थी, उस 17 सूत्रीय मांगों को लेके हम वाइस चांसलर के पास गए थे और वो हॉस्टल लगभग बनके तैयार है। तो सबसे पहले मेरी यही कोशिश रहेगी कि वो हॉस्टल इस बार सुचारू रूप से चले, उसमें जो हमारी गर्ल्स बहनें हैं वो इसी बार से रहना शुरू कर दें। दूसरा मेरा ये रहेगा कि कई हॉस्टलों की स्थिति बहुत जर्जर हो रही है, मैं लगभग हॉस्टलों के दौरे पर जाता हूँ तो कई हॉस्टल अभी लगभग मुझे उनकी जर्जर स्थिति दिखाई देती है, तो उनकी रिपेयरिंग की मैं मांग करूँगा। तीसरा, जिन डिपार्टमेंटों में वाटर कूलर और पंखे ख़राब हैं उनको रिपेयर करने कराने का काम हम करेंगे। और जो कैरियर काउंसलिंग सेल जो है वो सक्रिय रूप से गढ़वाल विश्वविद्यालय में काम नहीं करता है, तो उस सेल को दोबारा से हम सुचारू रूप से काम करवाने का हम यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं पहाड़, क्योंकि सबकी पर्सनल राय लेना जरूरी है कि वो क्यों यहाँ पर आज जमा हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आपका नाम। सुनिधि डंगवाल। आप क्यों यहाँ पर आ जाए हो? टिकट फाइनल था ना? हैं? टिकट फाइनल था। तो टिकट फाइनल कौन? टिकट फाइनल में कौन हिस्सेदार है? तो चलिए, इनको जानकारी नहीं है, हम आगे आपसे जानेंगे। आप यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमारे जो भी हमें भविष्य में कोई परेशानी आती है तो उसका अच्छे से समाधान हो। तो आपके भविष्य में परेशानी को हल करने वाला कौन है? वही जिसे हम अपने भारी मतों से। वो कौन है, किसके लिए आप यहाँ पर आए? तो आप देख सकते हो यहाँ पर छात्रों का आक्रोश काफी देखने को मिल रहा है और काफी अच्छे रिव्यू भी उनसे देखने को मिल रहे हैं। हम अपने कॉलेज की वोटिंग के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि हम जय हो ग्रुप से हमारे सुधांशु भैया को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं इस बार? हमें मतलब हमें जब भी हमें सुधांशु भैया की जरूरत पड़े तो हम उनका सपोर्ट हमें चाहिए।
और हमें उनका सपोर्ट मिले, इसलिए हम आज अपने संडे को भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो क्या क्या आपकी डिमांड्स रहेंगी जो आप ये पूरी करेंगे आगे आने वाले टाइम में? वो हमारे कॉलेज के लिए कुछ मतलब बच्चों को जो भी दिक्कतें होते हैं आगे फॉर्म भरने मतलब कुछ भी बताने में, तो उसका सपोर्ट हमें, हम ये चाहते हैं कि सुधांशु भैया से मिले हमें। तो ये आप देख सकते हैं सुधांशु भाई साहब की काफ़ी यहाँ पर पहुँच दिखती हुई है। तो चलिए कुछ और छात्र से जानते हैं, संगठन पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हमने जो संगठन के कार्यों को देखकर उनके जो हमारे लिए किया गया कार्य है उस तरह से हम जुड़े हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो छात्र चुनाव संघर्ष होता रहता है हर साल ऐसे ही होता रहे और हमारे जो बच्चों की जो हितों की बातें हैं वो हर किसी के पास पहुँचे। हमारे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो हमारे टीचर्स तक को पता नहीं होती हैं, ये संगठन एकमात्र ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी बातों को तक पहुँचा पाते हैं। इसीलिए हमें ये चाहते हैं कि चुनाव के द्वारा हमारे जो मुद्दे हैं खास करके जो हमारे पानी की व्यवस्थाएँ होती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं उनका हम निवारण कर सकें। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे कैंटीन लगा लो आप, कैंटीन आज तक बंद पड़ी हुई है, उनके मुद्दे भी बहुत सारे हैं हमारे पास। इसलिए हम इस संगठन में जुड़े हैं, बाकी और कुछ नहीं।